अगर आप 17वीं और 18वीं सदी के भारत के कुछ उन प्रांतों का, जिन्होंने अपने स्तर पर उन राज्यों में उन क्षेत्रों में कार्य किया था, वहाँ की प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक पद्धति से किए जाने वाली खेती के और उससे उत्पादन की उस दर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो पिछले 100-150 वर्षों के अंदर देश को बढ़ाया गया तो उसमें कितना अंतर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने और मैं चाहूंगा कि हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटना ही पड़ेगा, क्योंकि जब धरती वास्तविक प्राकृतिक रूप में थी और उसमें समय के अनुरूप खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो देश के अंदर बहुत सारे क्षेत्र इसके उदाहरण हैं जहां पर हरित क्रांति के पहले उत्पादन खेती की ज्यादा थी। इसके बाद कुछ समय के बाद ठहराव आने के बाद जब उन क्षेत्रों में हरित क्रांति के बाद आधुनिक फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग होना प्रारंभ हुआ, उस समय के लिए हमें उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई तो दिया लेकिन आज उसके दुष्प्रभावों से हम इस जीव सृष्टि को बचा पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। वो सीधे जहर के रूप में नहीं आ रहा लेकिन एक स्लो पॉइजन के रूप में वह हर व्यक्ति की धमनियों में घुसता जा रहा है और ये केवल मनुष्य के लिए नहीं। अभी 2 वर्ष पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग निराश्रित गो आश्रय स्थल संचालित करते हैं, लगभग हमारे पास 12 लाख से अधिक गोवंश निराश्रित गो आश्रय स्थलों में है जिनमें से 11 लाख का व्यवस्था प्रदेश सरकार संचालित करती है। 1 लाख गोवंश किसानों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर दे रखा है जिसमें एक किसान को केवल हम 4 गोवंश तक ही अनुमन्य करते हैं। हर महीने उसका वेरिफिकेशन होता है, गाय सुरक्षित है, हृष्ट पुष्ट है कि नहीं है, अगर है और सुरक्षित है तो हम उसे प्रति गाय हर महीने 1500 रुपये उस किसान के परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। 4 गाय पर 6000 रुपये महीने हर महीने उसको उपलब्ध होते हैं। और तीसरी योजना है कुपोषित धात्री या बच्चे के लिए, उस परिवार को इस निराश्रित को आश्रय स्थल से ब्याही हुई गाय हम उपलब्ध करवाते हैं और ब्याही हुई गाय उपलब्ध करवाने के बाद उस गाय से हम लोग वहां पर उस गाय को देने के साथ साथ उस परिवार को एक प्रतिमाह 1500 रुपया भी हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं। इस व्यवस्था को ले जाने के बाद जब हम लोग देखते हैं तो काफी अच्छे पैमाने पर जिन लोगों ने इस पे काम करना प्रारंभ किया उसके अच्छे उदाहरण में सामने आए। लेकिन हमारा अमरोहा में एक निराश्रित को आश्रय स्थल था, अचानक वहां पर 12-14 गाय मर गई। हमने लखनऊ से टीम भेजी, IBI बरेली की टीम भी हमने वहां भेजी, अन्य विशेषज्ञों को भी मैंने भेजा। मैंने कहा भी मौत का कारण क्या है, अचानक किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? देखा गया कोई जहर नहीं। फिर हमने चारे का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि चारे में फर्टिलाइजर इतना ज्यादा पड़ चुका था कि उसके बाद उस वो गाय मरी है। और बड़े पैमाने पर इस प्रकार की घटनाएं मैं 2-3 बार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में इस प्रकार की घटनाएं देख चुका हूं। आप मुझे बताइए, एक गाय अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने की उस क्षमता को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है तो मनुष्य कहां होगा, मनुष्य की क्या स्थिति होती होगी। अभी बताया अभी माननीय शिवराज जी ने कि कैसे
देश के अंदर अत्यधिक केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने के बाद कुछ राज्यों को अपने यहां से कैंसर ट्रेन ही चलानी पड़ी है। मैं उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखता हूं, आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हुई है, लेकिन फिर भी बड़े पैमाने पर मेरे पास लोग आते हैं मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे के लिए, और जो भी मेरे पास एप्लीकेशन आता है हम उसको तत्काल धनराशि उपलब्ध भी कराते हैं। और मैं देखता हूं सर्वाधिक मामले कैंसर के होते हैं। याद करिए आज से पहले इतना भयावह दृश्य नहीं था, लोगों की हो सकता है कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत न रही हो, लेकिन बीमारी इस रूप में नहीं। किसी गांव में आप जाइए उस समय इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। आज तो हम लोग देख रहे हैं गांव में जाते हैं युवा लड़कों पर किसी की किडनी फेलियर हो रही है, किसी को हार्ट की बीमारी हो गई है, कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया है। पहले हम देखते थे कि 20, 25, 30 गांव में कोई एक व्यक्ति को बीमार हो जाता था, लोग ये मानते थे कि कैसे हो गया, पूरा हाहाकार मचता था। आज एक कॉमन बन चुका है। कारण है खान पान कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, इसने नई नई बीमारियों को जन्म दिया है, नए तौर तरीके आगे बढ़े हैं, और हमें इसके बचाव का जो एक नया मंत्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है वह है प्राकृतिक खेती का। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी पूरी टीम को और भारत सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज से 3 वर्ष पहले प्राकृतिक खेती के लिए जिस एक अभियान को आगे किया था आज उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और मैं इस अवसर पर गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी का हृदय से मैं धन्यवाद दूंगा कि जब भी हम उन्हें आमंत्रित करते हैं वे उत्तर प्रदेश में आकर के हमारे कृषि विशेषज्ञों के साथ, किसानों के साथ यहाँ संवाद बनाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और आज इसके बारे में लोगों के मन में एक भाव जागृत हुआ है, वो सच है। पहले शुरू में लोगों के मन में एक भाव था कि क्या होगा, कैसे होगा, और खासतौर पर कृषि विशेषज्ञ जो थे, इसके एक्सपर्ट जो थे, उन लोगों में कुछ ज्यादा ही वो था, अरे हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज जब वह उसके डेमोस्ट्रेशन को देखते हैं और इसमें जो बताया गया कि हमें बीज से लेके बाजार तक इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखना होगा, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसकी व्यापक संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तुम्हारे पास खेती योग्य जो भूमि है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 12% यूपी के पास, लेकिन जितनी भूमि हमारे पास देश की है इसमें 17% आबादी रहती है, और उत्तर प्रदेश इसी देश की कुल कृषि उत्पादन से संबंधित कृषि योग्य भूमि में हम देश के अंदर 20% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं। पर्याप्त जल संसाधन हमारे पास है, लेकिन अब हमें आज की आवश्यकता के अनुरूप उस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा जो हैप्पीनेस इंडेक्स को सही मायने में जमीनी धरातल पर उतार सके। पहले भारत के बारे में क्या धारणा थी कि लोगों के पास साधन कम थे तो आवश्यकताएं भी कम थी, आवश्यकताएं कम थी तो व्यक्ति में खुशहाली ज्यादा थी, और हैप्पीनेस इंडेक्स को उस खुशहाली के साथ जोड़ करके जब हम देखते हैं तो व्यक्ति अपने आप में मस्त रह करके व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है। हम देखते थे गांव में उस सरकार पर निर्भरता उसकी ना के बराबर थी,
ना के बराबर सरकार पे निर्भरता। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब बात आती तो बढ़ चढ़ करके भाग लेता था। देश की आजादी का प्रश्न हुआ तो उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। किसी ने प्रैक्टिस छोड़ दी, किसी ने खेती बाड़ी छोड़ दी, किसी ने स्कूल छोड़ दिया और कहा देश को आजाद कराना है। देश की अपेक्षा कुछ नहीं, लेकिन आजादी की मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के देश के उन लोगों ने, उस समय की पीढ़ी ने अपने आप को समर्पित भाव के साथ आगे किया। आज हम चाहते हैं सब कुछ देश हमें दे, लेकिन हम देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। यह भाव मुझे लगता है हमें छोड़ना ही पड़ेगा। और उस दृष्टि से आज का यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है कि आज की आवश्यकता है, उत्पादन भी बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ वह जो व्यक्ति इसका उपयोग करे उसके लिए यह लाभदायक भी हो। इसमें हम लोगों को एक नए प्रयास को आगे बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं। एक 5वां विश्वविद्यालय भी हमारा कृषि विश्वविद्यालय का बनने जा रहा है। हमारे पास 89 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं और 2 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित हैं। इन सभी कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और हर जनपद में मंडी समिति को भी हम लोगों ने कह रखा है कि प्राकृतिक खेती से जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी खाद्यान्न आता है, उसके सर्टिफिकेशन के कार्यक्रम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और 20 से इसकी शुरुआत होनी चाहिए और फिर जब वह बाजार तक पहुंचे तो उसको तत्काल सर्टिफिकेशन के साथ जोड़ करके अच्छा दाम मिले। उसके लिए हर मंडी में इसके लिए स्टोर बनाइए, वहां से इसका दाम मिले, इसका प्रचार प्रसार हो। और कुछ जगह हम लोगों ने प्रारंभ किया है। हम लोगों ने सभी 6 की 6 कृषि विश्वविद्यालयों से कह रखा है कि आप अपने यहां सर्टिफिकेशन की लैब्स इंप्रूव करिए, धनराशि स्टेट गवर्नमेंट आपको उपलब्ध कराएगा। और हम लोगों ने मंडी से उस धनराशि की व्यवस्था के लिए पहले से प्रावधान कर दिया कि वहां पे तो पहले से लैब्स हैं, उस लैब्स को उनको थोड़ा सा अपग्रेड कर देना है। और एक कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। अभी यहां पर आचार्य जी इस बात को कह रहे थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गुजरात में एक विश्वविद्यालय को, कृषि विश्वविद्यालय को प्राकृतिक विश्वविद्यालय, प्राकृतिक खेती से संबंधित विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया है। इसमें एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, वेजिटेबल का हो, इस सब का उत्पादन जो भी हो वह प्राकृतिक पद्धति से हो। और इसके लिए प्रशिक्षण और इस पर शोध के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकें, इस दृष्टि से कार्यक्रम वहां पे उन्होंने प्रारंभ किया है। और यहां पे मैंने कृषि मंत्री से भी कहा है किसी एक विश्वविद्यालय को